आज मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ छोटा सा प्यारा सा रिचार्जेबल चॉपर जो अभी मुझे डिलीवर हुआ है, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट रिव्यू के वीडियोस मैंने अपलोड किए मेरे चैनल पे, आप जाके चेक करें। और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट किया है, डिस्काउंट चल रहा है, आप जाके परचेज कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल लिखा गया है, मैं आपको वन बाय वन बोलती रहूंगी। ये रिको कंपनी का मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लेंडर और मिक्सर है, बहुत पुराना कंपनी है, ब्रांडेड है, इसीलिए मैं ये कंपनी से बहुत सारी चीज़ें मैंने खरीदा है। पोर्टेबल है, यूएसबी चार्जर है, ये सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और ये वीडियो पूरा देखिए, मैं आपको कैसे बनाते हैं, क्या क्या चॉप होता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये 250 ml कैपेसिटी का चॉपर है, पोर्टेबल है, आप आराम से कैरी कर सकते हो। चलिए इसमें क्या है देखते हैं। जार है, फूड कप या बोल सकते हो, कंटेनर बोल सकते हो। और ये यूएसबी चार्जिंग केबल, ये है हेड पार्ट मतलब मोटर, मोटर लाइफ 5 साल का और 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी भी है। ये जैसे मैंने हेड पार्ट निकाला ना, बहुत लाइट वेट है, इसका बहुत सारे एडवांटेज है, मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या है। रिको का मशीन 30 वोल्ट का है, अगर आप लोकल कंपनी में देखा जाए तो वो सिर्फ 10 वोल्ट का रहता है। फुल चार्ज है, शायद ऑन हो गया, ब्लू कलर बटन दिख रहा है, देखिए। चलिए इसको ऑफ कैसे करते हैं, चलिए मैं अभी मैंने ओपन किया है, देखते हैं इसका क्या क्या है। और ये है यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, इसका जो ऊपर का कवर है वो भी हाई क्वालिटी का है, जल्दी ये निकलेगा नहीं, जैसे लोकल ब्लेंडर में या चॉपर में रहता है वैसा नहीं है ये। ये फूड कप या कंटेनर बोल सकते हो, मैं इसको कंटेनर बोलती हूँ, फटाफट से मुँह में आ जाता है। ये रहा ब्लेड, ब्लेड बहुत शार्प रहता है तो बच्चों से बचा के रखिएगा, मैं ये सब चीज़ें ऊपर रखती हूँ उनके हाथ ना लगे। ये जो कंटेनर है मिनिमम इतना रहना है दोस्तों, इससे कम नहीं रहना है, ये मेरे वैनिटी बैग में आराम से फिट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मैं चेक कर रही हूँ तोड़ के या फोड़ के चलिए टूटा नहीं, अच्छा है। ये रहा इसका मॉडल नंबर, ये चॉपर वाइट कलर है, इसमें कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आपको जो कलर चाहिए आप परचेज कर सकते हो। ये है रिको कंपनी का चॉपर और ये है नॉर्मल मिक्सर जार, ये तीनों एक ही कैपेसिटी का है। ये डिफरेंस क्या है, ये हम लोग कैरी नहीं कर सकते और ये मिनी चॉपर आराम से हम लोग कैरी कर सकते हैं। ये चॉपर अगर फुल्ली चार्ज हो और 3 से 4 बार भी हम लोग अगर यूज़ करें तो ये 15 से 20 दिन तक हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए सेफ्टी मैग्नेटिक लॉक है, जो ऊपर का लिड ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ये जब लॉक होता है तभी ये चॉपर ऑन होगा, नहीं तो ऑब्वियसली ये ऑन नहीं होगा। ये थोड़ा सा मैं रफ़ एंड टफ़ यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैं सुबह के टाइम पे फास्ट रहती हूँ, तो मैं ट्राई कर रही हूँ बस उतना ही ये लिड अटैच होगा कि नहीं। ये देखिए जहाँ पे वो मैग्नेटिक लॉक है वहीं जाके वो रुकेगा। फुल्ली चार्ज वाला चॉपर मुझे डिलीवर हुआ है, तो ये है वन पुश बटन, ये देखिए सिर्फ आपको पुश करना है तो चॉपर ऑन हो जाएगा। इसमें आपका सिर्फ सॉफ्ट चीज़ें वेजीज आप चॉप कर सकते हो, जैसे कि टमाटो हो, अनियन हो, गार्लिक हो, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप फ्रोज़न आइटम चॉप करने गए जैसे मीट हो या चिकन हो, ये छोटा सा चॉपर है ना वो चौपट हो जाएगा और इसका जो मशीन है ना वो भी ख़राब हो जाएगा। तक सब आइटम बाहर निकाल दिया, यहाँ पे सब लिखा है, चलिए इसको देखते हैं कहाँ पे है, शायद नीचे बैठ गया है, चलिए मिल गया। इसमें वारंटी कार्ड है शायद, इसमें वारंटी कार्ड रहता है, ये देखिए है वारंटी कार्ड है। और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ इसमें देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा मैंने इंडिकेशन के बारे में मैंने दिया है, आप ध्यान से देखिएगा चॉप करने के टाइम देखेंगे, इससे अगर ज़्यादा कुछ चार्जिंग का कुछ काम रहा तो मैं आपको दिखाती हूँ एंड में चॉप करने के टाइम, ये सिर्फ मैं जब चेक कर रही हूँ। ये है सिलिकॉन रबर लिड और कंटेनर दोनों को है, अब मैं ऑन कर रही हूँ, ये फुली चार्ज है, ये देखिए ब्लू बटन। ये फीचर रिको ब्रांड में अच्छा है जो लोकल कंपनी में आपको नहीं मिलेगा, ये देखिए कंटेनर को भी है। अब चलिए मैं चॉप करके दिखाती हूँ।
चॉपर को यूज़ करने से पहले एक बार वॉश ज़रूर करें। और अब मैं बना रही हूँ ऑमलेट, तो सोचा कि चॉप करूँ। अनियन लिया है, चिली लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है, तीनों को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। कोई भी चॉपर हो छोटे पीसेस में काट के डाले। सॉफ्ट चीज़ें तो चॉप हो जाते हैं, पर मैं थोड़ा हार्ड चीज़ें मैं ट्राई करने वाली हूँ। यहाँ पे दिया गया था कि 30 सेकेंड्स के बाद ये बंद हो जाता है, वो भी मैं ट्राई करने वाली हूँ। अब मैं लिड डाल के मैं अब ऑन करने वाली हूँ। चलिए लिड डालते हैं। चलिए इसी के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये रहा बेल आइकॉन, डोंट फॉरगेट टू क्लिक दैट टू गेट रेगुलर अपडेट्स एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज आन्या एंड महक। अनियन का कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से चॉप हो जाएगा। ये देखिए टमाटो भी हो जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। मैं थोड़ा हार्ड चीज़ें ट्राई करने वाली हूँ नेक्स्ट, तो देखते रहिए। ये कोई भी वीडियो मैं एडिट नहीं कर रही हूँ ना कट कर रही हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए इसको बाउल में ट्रांसफ़र करें। काफ़ी है, ये देखिए परफेक्टली चॉप हुआ है, आप देख सकते हो। अब मैं कर रही हूँ पीनट, इसको थोड़ा सा मैंने सेक लिया है, गरम कर लिया है बस उतना ही, ताकि जल्दी से चॉप हो जाए ये दोनों चीज़ें। अब मैं पीनट डाल रही हूँ, ये देखिए एक रहा क्वांटिटी, थोड़ा क्वांटिटी मैंने लिया है क्योंकि चॉपर छोटा है, ताकि ये अच्छे से चॉप हो जाए अंदर से। ये देखिए अटैच होते से ही ब्लू लाइट ऑन होता है। ये देखिए ऑटोमेटिकली बंद हो गया। 2 मिनट्स गैप देने के बाद इसको फिर से ऑन करना है, जिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिया है। हम लेडीज़ को इतना पेशेंस नहीं है, क्या बोलते हो। ये वीडियो ज़्यादा मैंने एडिट नहीं किया है, कट नहीं किया है, ताकि आपको पता चले कि ये कैसे चॉप होता है। थोड़ा लंबा चौड़ा है वीडियो, तो देख लेना। ये ज़्यादा पाउडर फॉर्म तो नहीं हुआ है, पर चॉप परफेक्टली हुआ है। चलिए मैं नेक्स्ट में बना रही हूँ चिली। ये चिली को भी थोड़ा सा मैंने सेक लिया है, गरम कर लिया है, ताकि अच्छे से ये भी चॉप हो जाए। इससे ज़्यादा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मैं इस सब चिलीज को मैं ट्रांसफ़र करती हूँ जार में। ऐसे स्मॉल पीसेस में मैंने काट लिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चॉपिंग। मैं अब चेक करती हूँ कैसे चॉप हुआ है। चॉप ज़्यादा नहीं हुआ है, चलिए मैं चेक करती हूँ। जैसे मुझे चाहिए था उतना चॉप तो नहीं हुआ है। आप घर में ट्राई करें, इससे अगर ज़्यादा चॉप हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा ज़रूर। सो दिस इज़ द एंड, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू देना है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन और यू कैन DM मी। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और हेल्दी रहिएगा। Take care and bye-bye.